illness. Rather, they would be epitomes of fitness. I dream no one remains poor, and everyone lives happily without any fear. Everyone has clothes to wear and food enough for their welfare. So this is my aim to be accomplished as a team to make my India of my dreams. Thank you. I hope my dream comes true. Jai Hind. इसके बाद बारी है गार्गी डॉक्टर ऑफ श्री जोगेंद्र सिंह, ये बच्ची पॉइंट पेश करेगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज गार्गी, आई एम सिंग सॉन्ग। एक देश है एक हमारा नारा है, हम भारत के प्यारे बच्चे, भारत देश हमारा है। एक ही अपनी जमी आसमां, एक ही अपना ईश्वर है, हम भारत के प्यारे बच्चे, भारत देश हमारा है। इस धरती का चप्पा चप्पा हमें जान से प्यारा है, हम भारत के प्यारे बच्चे, भारत देश हमारा है। एक देश है एक विश है एक हमारा नारा है, हम भारत के प्यारे बच्चे, भारत देश हमारा है। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच बच्ची। अब आ रही है गुरनूर। गुरनूर ये मेरी बेटी है। आजी बच्ची इंडिपेंडेंस डे की बार बार शुभकामनाएं। आज मैं दो लाइनें यहाँ पे पेश करती हूँ। है मेरे वतन के लोग, जरा आंख में पानी भर लो, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो गुरबानी। थैंक यू इंडिपेंडेंस डे। अब इसके बाद कोई बच्चा, हाँ आगे बच्चे, आगे आगे बच्चे। क्या नाम है आपका? जसप्रीत। जसप्रीत सानव श्री दलबीर सिंह, ये बच्चा आपके सामने क्या पेश करेंगे बच्चे? पॉइंट पेश करेंगे। शाबाश। सुप्रभात, मेरा नाम जसप्रीत है। आज मैं आपके सामने एक कविता बोलने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है मेरे देश का सिपाही। मेरे देश का सिपाही, मेरे देश का सिपाही, करता रहता वह पहरेदारी, मुश्किलें आए चाहे कितनी सारी, पर ना पड़ती उस पर कोई नबारी, होली आए या दिवाली, उसका मिशन रहता हर वक्त जारी। बर्फीला तूफान हो या आतंकवादी हमला, डटकर सामना करता मुश्किलों का, करता हूँ मैं उसे सलाम जिसने कर दी अपनी जिंदगी कुर्बान। जय। आस्था डॉक्टर ऑफ श्री राजेश कुमार, ये बच्ची आपके सामने एक सॉन्ग पेश करेगी। आस्था। सुप्रभात, मेरा नाम आस्था है। मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है हम नन्हे हैं हम मुन्ने हैं। हम नन्हे हैं हम मुन्ने हैं, हम नहीं किसी से कम। आकाश तले जो फूल खिले वो फूल बनेंगे हम। ला 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 ला। आकाश तले जो फूल खिले वो फूल बनेंगे हम। ला 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 ला।
सिमरनप्रीत राठौर श्री हरपाल सिंह, ये बच्ची इंडिपेंडेंस डे पे अपने विचार पेश करेगी। सिमरनप्रीत सर। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज सिमरप्रीत कौर। आई स्टडी इन थर्ड बी क्लास। टुडे आई विल स्पीक सम फ्यू लाइंस ऑन इंडिपेंडेंस डे। 15 अगस्त इज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। इट इज सेलिब्रेटेड विद great pomp and show. On this day, the Prime Minister of India unveils the national flag at Fort Delhi. At night, the public buildings brightly lit. अब मैं जस्ट करूंगा स्टाफ की तरफ से, स्टाफ मेंबर्स की तरफ से, अगर कोई अपने विचार गीत या फिर खत्री साहब उनको पुलिस मेडल मिला है उनको सभी एसीबी एसीबी के सभी स्टाफ मेंबर्स की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और साथ ही साथ वो ये भी बता देंगे पार्टी कब दे रहे हैं, वो बाद में बताएंगे। पार्टी वो मांग रहे हैं, पार्टी पहले मांग रहे हैं। खत्री साहब अपने विचार पेश करेंगे इस पर। आरसी खत्री सावर पहले खतरा हो गया। स्वतंत्रता दिवस पर बोलने का मौका दिया गया। आज के दिन ही 1947 में अपना देश स्वतंत्र हुआ था। पहली स्वतंत्रता दिवस मनाए गए थे और 1948 को दिन के उसी तरह आज 2016 को 17वीं स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है। लेकिन ये स्वतंत्रता आसानी से नहीं पाई गई है, इसमें लाखों वीरों की कुर्बानियों से ये स्वतंत्रता हमें मिली है। कुछ हम बता रहे, स्वतंत्रता में राष्ट्रीय आंदोलन और कुछ बाह्य कारण भी जिम्मेदार थे जिसके कारण हमें स्वतंत्रता मिली। हम कुछ राष्ट्रीय आंदोलन का जिक्र करते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन जो है इस स्वतंत्रता 1857 के क्रांति से ही स्टार्ट हो गया था। 1857 के क्रांति को सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, गुजर विद्रोह, धानसी गुजर सिपाही थे मंगल पांडे, जिन्होंने 1857 में मेरठ में विद्रोह किया था अंग्रेजों, अंग्रेजी मुहम्मद गिनलाप आवाज उठाई थी। इसी तरह रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी के बिहार में दीप कुंवर सिंह, पंजाब में जो एरिया 1857 में प्रभावित हुआ था वो था झेलम रावलपिंडी, झेलम रावलपिंडी अभी चलो पाकिस्तान में है, लेकिन झेलम में 35 ब्रिटिश पैदल सैनिकों की मार दिया गया था। 1857 की क्रांति से देश की आज़ादी का जंग शुरू हुआ। फिर उसके बाद सबसे बड़ी घटना थी 1885 में कांग्रेस की स्थापना। जब कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय अपना देश गुलाम था, गांव गांव में लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, किसी को पता भी नहीं होता था कि 1885 में देश में किसका शासन चल रहा है। जब कांग्रेस का गठन हुआ, कांग्रेस के गठन से देश भर में उनके मेंबर बनने लगे, लोगों को उन्होंने समझाना स्टार्ट किया कि अपने देश में अपना शासन नहीं है, विदेश का शासन चल रहा है और हमारे देश का कानून में इंडिया के कानून पारित नहीं होते, ब्रिटिश पार्लियामेंट से कानून पारित होता है। तो कांग्रेस की स्थापना जो हुई 1885 में, उसके बाद कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशनों में आज़ादी की स्वतंत्रता की मांग होने लगी और कांग्रेस ने देश के नागरिकों को एजुकेट करने में काफ़ी सफल रहा कि हमारा देश। उसके बाद आया बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने बोला कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक, उसके बाद 1905-6 में स्वदेशी आंदोलन हुआ, बंगाल विभाजन, बंगाल का बंगाल सबसे इंडिया का सबसे बड़ा प्रांत था बंगाल, उसको अंग्रेजों ने विभाजित करके देश बांटो और डालो नीति में चल रहे थे। बंगाल विभाजन के समय बहुत स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया। उसके बाद जो है हमारे
स्वतंत्रता में सबसे बड़े जो योगदान हुआ 1915 में गांधी जी आए, 1893 से 1914 तक गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे। साउथ अफ्रीका में हिंदू और मुसलमानों के वकील हुआ करते थे। वहाँ साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने देखा था कि अंग्रेजी पानी हुकूमत का चलती थी और लोगों को बेसिक नीड्स भी नहीं करती थी और पानी हुकूमत बहुत ही गवर्नेस था। 1915 में जब गांधी जी आए तो उन्होंने सबसे पहले जो आंदोलन चलाया नील क्रांति, बिहार में नील किसानों के लिए उन्होंने चंपारण में आंदोलन किया। फिर 1919 में एक पंजाब से संबंधित एक बहुत बड़ी घटना हुई, जालियांवाला बाग। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में वॉलेट एक्ट के खिलाफ लोग प्रदर्शन करने के लिए जमा हुए थे जालियांवाला बाग में। वहीं पर वो रेविडेंट डायर एक डायर, उन्होंने जो मेन गेट था जालियांवाला बाग उसको बंद करके और उसमें गोरखा बटालियन से उसमें गोलियां चलवा दी। सब भीड़ के खिलाफ जब तक जितने उनके बटालियन में गोलियां चलाती गई। ऑफिशियल फिगर तो एकदम था कि 400 लोग मार गए, लेकिन कम से कम 1000 लोग उसमें मार गए। जालियांवाला बाग रॉलेट एक्ट के खिलाफ था। सर सिडनी रॉलेट एक जज थे, उन्होंने एक रॉलेट एक्ट पास किया था। रॉलेट एक्ट में था कि बिना किसी को पुलिस को बहुत ज़्यादा पावर दिया गया था, बिना कोई किसी वारंट को गिरफ्तार कर सकते हैं, किसी को अनगिनत समय तक उसको जेल में डाल सकते हैं। रॉलेट एक्ट में था कि उसकी ये बोला था कि ना वकील ना दलील ना अपील। असहयोग आंदोलन, गांधी जी का कहना था कि जो भारतीय सहयोग करते हैं ब्रिटिश पानी हुकूमत के साथ उसी से उनका हुकूमत चल रहा है। अगर भारत के लोग इनकी हुकूमत से असहयोग कर दें तो भारत को अंग्रेज स्वतंत्रता देने के लिए मजबूर हो गए। तो 1920 से 1922 तक चला गांधी जी का आंदोलन बहुत ही ब्रिटिश थे, इसलिए विरोध हो रहा था कि एक भी इंडियन को शामिल नहीं किया गया। तो साइमन कमीशन 1928 अक्टूबर महीने में लाहौर आए तो लाला लाजपत राय भड़काली झंडा दिखलाएगा और लाला लाजपत राय को टारगेट करके उनको लाठियां बरसाएगा। लाला लाजपत राय को मार दिया, ग्रसित हो गए। उन्होंने बोला कि लाला जी के मैं बदला लूँगा, लाला जी की हत्या की बदला लूँगा। और उन्होंने लाला लाजपत राय की हत्या की बदला के लिए एक जो मारा था तो जो मिस्टेकन आइडेंटिटी में उन्होंने जॉन टी सॉन्डर्स नाम के डीएसपी को उन्होंने मार दिया। बाद में कोई आया भगत सिंह पकड़े, भगत सिंह राजगुरु इन आदमी को फांसी दे दी गई। फिर 1930 में 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। फिर 1930 से 1932 तक अपना साल्ट आंदोलन चला। अंग्रेज लोग भारतीय जो साल्ट बनाते थे उसमें कर लेते थे, टैक्स लेते थे। अंग्रेज लोग जो भी आम भारतीय थे जो समुद्र के किनारे नमक बनाते थे तो उस पर टैक्स लेते थे, बहुत ज़्यादा टैक्स लेते थे। उसी को भंग करने के लिए साबरमती चलो का आंदोलन चला के गांधी जी ने आंदोलन चलाया। उसके बाद नन कोऑपरेशन भी बोला, सारे भारतीय सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी चलाया।
जो भी लोग भारतीय हैं इस जो इस फोर्स में काम करते हैं उन लोगों ने बोला कि आप नौकरी छोड़ो, बहुत से लोगों ने गांधी के आह्वान पर नौकरी छोड़ दिया। मार्टिन लूथर किंग जो अमेरिका में थे, गांधी जी के इस आंदोलन से, नमक साल्ट आंदोलन से बहुत प्रभावित हुए थे। उसके बाद 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, 9 अगस्त मुंबई में जो आंदोलन चलाया गया, मुंबई में जो कांग्रेस के अधिवेशन था, गांधी जी ने बोला क्विट इंडिया, कांग्रेस पूरा अंग्रेजों को बोला कि भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट उन्होंने जोर शोर से चलाया, बहुत तेज से ही चला। फिर इसके पीछे आज़ादी के लिए इतना जो राष्ट्रीय आंदोलन था, कुछ आंदोलन पर्दे के पीछे चल रहा था, जैसे कि था आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना तो ऐसे तो मोहन सिंह सरदार जी ने उन्होंने मलेशिया में किया था, लेकिन बाद में 1942 में वो संगठन ज़्यादातर चला नहीं। 1943 में जब सुभाष चंद्र बोस उन्होंने हिटलर से मिले, हिटलर ने उन्हें बोला कि सिंगापुर, उस समय जापान ने कब्जे कर लिया था सिंगापुर में, उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की गठन की, तो आज़ाद हिंद फौज पर्दे के पीछे काम कर रही थी। आज़ाद हिंद फौज का से बहुत अंग्रेज डरते थे, आज़ाद हिंद फौज की संख्या को बढ़ा चढ़ा के बढ़ाई जाती थी, अंग्रेजों को लगता था कि आज़ाद हिंद फौज इंडिया पर अटैक कर देगा, जापान और जर्मनी के सहयोग से हैं और पूरे अंग्रेजों को बंधक बनाकर मार देगा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना से भी भारत की आज़ादी की मार्ग प्रशस्त हुई। इसके अलावा कुछ दो एक्सटर्नल फैक्टर भी थे जिनके किताबों में जिक्र कम है, जो हमारे आज़ादी के लिए बहुत ही कारगर साबित हुए। एक्सटर्नल फैक्टर में था पहला, 1939 से 1945 तक जो द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में एलाइड फोर्सेस में तो इंग्लैंड था, फ्रांस थे, अमेरिका, रूस, बाद में अमेरिका रूस ने भी इंग्लैंड को साथ दिया था, एक्सिस फोर्स में था, जापान थे, जर्मनी था, इटली था। जापान ऐसे तो द्वितीय विश्व युद्ध में एलाइड फोर्सेस की जीत हुई थी, लेकिन अंग्रेजों का कोई ऐसा ठिकाना नहीं था जो एशिया में हो, यूरोप में हो, अफ्रीका में हो, कोई ऐसा ठिकाना नहीं था अंग्रेजों का जिस पर हिटलर ने बम्बारी में। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हिटलर ने जो अंग्रेजों को जख्म दिए तो भारत के सारे स्वतंत्रता सेनानी नहीं दे पाए। तो 1945 तक जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसमें अंग्रेज के सारे ठिकाने ध्वस्त हो गए, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हुई थी, उनका अपना देश चलाना मुश्किल हो रहा था, तो वो एकदम जोश हो गए भारत को आज़ाद कराने के लिए। तो दूसरी एक्सटर्नल फैक्टर था लेबर पार्टी की सरकार। 1945 में लेबर पार्टी की सरकार बनी, लेबर पार्टी ने घोषणा पत्र में कहा कि हम जैसी आज़ादी मिलेगी इंडिया को, हम जैसी वोटेड टू पावर, अगर लेबर पार्टी की सरकार बनी तो हम इंडिया को आज़ाद करा देंगे, ये वोटेड टू पावर वी विल एडवांस इंडिया फॉर रेस्पेक्टिंग सेल्फ गवर्नमेंट, उनके मैनिफेस्टो में था लेबर पार्टी। अब लेबर पार्टी की जब सरकार बनी तो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने लुईस माउंटबेटन को आज़ाद पावर ट्रांसफर के लिए भेजा। लुईस माउंटबेटन आया 1947 में, लुईस माउंटबेटन का नाम था लुईस फ्रांसिस अल्बर्ट बेकर निकोलस माउंटबेटन, उन्हें फर्स्ट अर्ल माउंटबेटन ऑफ बर्मा भी बोला जाता है। जब बर्मा पर जापानियों ने कब्जा कर लिया था तो दोबारा जब रिकैप्चर इंग्लैंड ने किया तो उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उनको फर्स्ट अर्ल माउंटबेटन ऑफ बर्मा भी बोला गया। जब 1947 में लुईस फ्रांसिस अल्बर्ट बेकर निकोलस माउंटबेटन भारत आए तो उन्होंने सभी लोगों से बातचीतें स्टार्ट कर दिया, जो मुस्लिम लीग थे, जो कांग्रेस थे, जो क्रिश्चियन स्टेट थे, सबसे बातचीत करके उस समय भारत की स्थिति कम्युनल डिस्टर्बेंस हो गए, चारों तरफ दंगा भड़कने लगे। माउंटबेटन जब आए थे तो प्लानिंग ले गए 1948 में भारत को आज़ाद कराना, लेकिन जो दंगे भड़कने लगे उससे उनको लगा कि अंग्रेजों के काफ़ी बदनामी होंगे, इसलिए उन्होंने सोचा कि भारत को हिंदू सिखों का देश और पाकिस्तान को मुसलमानों का देश जल्दी से बांट दे, दंगा कम हो जाएगा, अंग्रेजों को बदनामी कर, तो उन्होंने टीकॉन कर दिया इंडिपेंडेंस का। तो उनका
इतना दंगा भड़कने लगे कि एकदम अगस्त महीना में भी लाजात 3 जून को माउंटबेटन प्लान लागू हुआ, उन्होंने बोला कि 15 अगस्त को भारत को आज़ाद कर रहे हैं, क्योंकि बोला 15 अगस्त को क्यों आज़ाद कर रहे हैं, बोला कि इसी दिन एलाइड फोर्सेज के सामने, एलाइड फोर्सेज के सुप्रीम कमांडर 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर किया था इन्हीं के सामने, लुईस फ्रांसिस अल्बर्ट विक्टर निकोलस माउंटबेटन के सामने जापानियों ने सरेंडर किया था, इसी दिन को कमोमरेट करने के लिए, इसी दिन को मेमोरेबल बनाने के लिए उन्होंने बोला कि 15 अगस्त 1947 को ही देश आजाद हुआ। तो जो हमारे एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने बोला कि 15 अगस्त 1947 को बहुत ही अशुभ दिन है, दूसरे दिन सुझाया 15 अगस्त को आजाद नहीं करा, ये सुना दूसरा सुझाया तो माने दी थी 15 अगस्त को भी। एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि आज़ादी हिंदुओं में सुबह के सूर्योदय के बाद दिन की शुरुआत होती है, उन्होंने सोचा कि मिड नाइट को आजाद हो गए, तो उसी मिड नाइट को एक समय दिया गया अभिजीत मुहूर्त, शुभ मुहूर्त था 14 अगस्त के 11:51 से 12:38 उसी समय उसी शुभ मुहूर्त में गांधी जी को अपना फेमस भाषण दिया, उसी समय 1945 को अपना देश आजाद हुआ, उसी आजाद आधी रात को हुआ, उसलिए एक फेमस बुक भी है फ्रीडम एट मिडनाइट अमेरिकन लाइब्रेरी कॉलेज के लिखा किताब है, इसमें आज़ादी के परिस्थितियों का काफ़ी बढ़िया से जिक्र किया गया, उसी में सलमान रशीदी की भी किताब है मिडनाइट चिल्ड्रन में भी उन्होंने जो इंटरवीनिंग नाइट 14 अगस्त 15 अगस्त को जन्म लिए उसके बारे में बताया गया है। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि आज़ादी ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अलावा जो एक्सटर्नल प्रोटेक्टर्स है, लेबर पार्टी की सरकार बनना बहुत बड़ी भूमिका थी, लेबर पार्टी की सरकार नहीं बन गई तो आज़ादी को लोग 10-20 साल और टाल सकते, उनको कोई कंपल्शन करेगा, क्योंकि जो यूपी भी झूठा उसमें लाइट फोर्सेज की विजय हुई, लेकिन जो उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा था कि वी विल एडवांस फॉर इंडिया, लेबर पार्टी की सरकार बनी, लेबर पार्टी ने अपने वादों को निभाया, एक्सटर्नल फैक्टर भी कमी थी, और इतनी मुश्किलों से इतनी संघर्ष के बाद हमें आज़ादी मिली है, तो हमें इस आज़ादी को बनाए रखना है, राष्ट्रीय एकता बनाए रखनी है, आज़ादी पर कोई कलंक न लगे, और सभी देशवासियों को मिलकर रहना चाहिए, आज़ादी पर कभी कोई आँच ना आए, इसलिए सभी देशवासियों को मिलकर। थैंक यू वेरी मच सर। खत्री जी ने 1857 से लेकर 1947 तक के 90 साल के इतिहास को बड़े ही विस्तृत रूप से सभी को विजिट करवाया, और भारतीय आज़ादी के लिए जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स रहे उनको भी सभी के सामने बड़े अच्छे तरीके से पेश किया। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा श्री आर एस गुंजाल DSP साहब, वो अपने जो विचार आते हैं शुभ अवसर पर पेश करें। श्री आर एस गुंजाल पर जो हमारे खत्री साहब ने बताया बहुत ही विस्तार पूर्वक